फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है नुपुर शर्मा का विरोध और करो गेहूं रिजेक्ट। भारत ने इजिप्ट के स्वैप डील को सीधा रिजेक्ट किया। अच्छा, स्वैप डील कि वो कुछ तुम दोगे हम ये देंगे, वो डील को रिजेक्ट कर दिया। हिंदी में पढ़ना बड़ा मुश्किल है यार, इंग्लिश के वर्ड स्पेशल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे मेरे को हार देने चाहिए सब लोगों को कि इतने सालों के बाद भी देख लो मैं कितनी अच्छी हिंदी पढ़ रही हूँ। अमेजिंग है यार। नहीं, ये इसलिए मतलब अंदर से बड़ी बात है कि क्योंकि यहाँ पे कहीं हिंदी का प्रयोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता इस देश में। और बोलने में घर में ही हम लोग करते हैं, पर पढ़ना तो बिल्कुल नहीं है। कितने 20 साल से कहीं प्रयोग नहीं। तो मेरा काम है ना, बहुत अच्छा अचीवमेंट है यार मेरी। हमारी टीचरों ने, हिंदी के टीचरों ने हमारा देखो कितना अच्छा काम किया हुआ है, कितना अच्छा पढ़ाया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट भारत के साथ गेहूं की एक लॉन्ग टर्म डील साइन करना चाहता है, लेकिन भारत से गेहूं इंपोर्ट करने के लिए उसके पास डॉलर्स की कमी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इजिप्ट के पास गेहूं की पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन फिर भी उसने टर्की से रिजेक्टेड भारत की गेहूं की शिपमेंट लेने से इनकार कर दिया था। और नुपुर शर्मा जी के बयान के ऊपर भारत की जो आलोचना की वो अलग से। इजिप्ट जो 65% गेहूं विदेशों से परचेज करता है, उसका 85% गेहूं रशिया और यूक्रेन से खरीदा जाता था, लेकिन यूक्रेन गेहूं बेचने लायक नहीं रहा और रशिया को सैंक्शंस के कारण गेहूं एक्सपोर्ट करने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते अब इजिप्ट को भारत से गेहूं परचेज करना पड़ रहा है। गेहूं तो इजिप्ट भारत से परचेज कर रहा है, लेकिन उसमें भी इजिप्ट को कई दिक्कतें आ रही हैं। रशिया या फिर यूक्रेन से गेहूं परचेज करने के लिए इजिप्ट जो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट पे किया करता था, भारत से गेहूं परचेज करने के लिए इजिप्ट को उसका लगभग 3 गुना ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक सी में स्थित यूक्रेन और रशिया के पोर्ट्स के मुकाबले भारत और इजिप्ट के बीच बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। दूसरी प्रॉब्लम इजिप्ट के लिए ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में वीट के प्राइसेस इस समय एवरेज से भी डबल चल रहे हैं, जिसके चलते पिछले सालों के मुकाबले इस साल इजिप्ट को वीट के लिए कई बिलियन डॉलर्स खर्चने पड़ रहे हैं। भारत की बात करें तो हमारे पास इस समय गेहूं खरीदने के लिए कई देशों की लाइन खड़ी है, जो एडवांस में पेमेंट करने के लिए भी रेडी हैं। यानी भारत के गेहूं की डिमांड इस समय काफी हाई है। ऐसे में भारत तो अपने गेहूं के ऊपर कोई भी डिस्काउंट देने से रहा। अगर इजिप्ट भारत से गेहूं परचेज नहीं करेगा तो भारत किसी और देश को बेच सकता है। और देखा जाए तो इजिप्ट अगर भारत की इज्जत रखने के लिए टर्की से रिजेक्टेड गेहूं की शिपमेंट को टेस्टिंग करके फिर उसके बाद कोई फैसला लेता तो शायद उसको भारत एक ह्यूज डिस्काउंट भी ऑफर कर लेता। लेकिन खैर, गेहूं की शॉर्टेज के बिना तो इजिप्ट में भुखमरी पैदा हो सकती है। इसलिए इजिप्ट ने वर्ल्ड बैंक से 500 मिलियन डॉलर्स की मदद लोन के तौर पर मांगी थी, जिसके मिलने के बाद इजिप्ट भारत के साथ गेहूं की एक लॉन्ग टर्म डील साइन करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट भारत के साथ 5 लाख टन गेहूं सप्लाई करने की एक लॉन्ग टर्म डील साइन करना चाहता है, क्योंकि उसको इस बात की चिंता है कि अगर कल को भारत में शॉर्टेज आई तो उसके कारण अगर भारतीय सरकार, जो आज की डेट में गिने चुने देशों को छोटे मोटे एक्सपोर्ट गेहूं के कर भी रही है, वो अगर कल को बंद कर दिए तो इजिप्ट के लिए बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। मगर दिक्कत की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक भी इजिप्ट को 500 मिलियन डॉलर्स का लोन देने में बहुत ही देरी कर रहा है और हफ्ते दर हफ्ते गुजर रहे हैं। इसके चलते अब इजिप्ट ने भारत को बार्टर ट्रेड का ऑफर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर अरब न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक वीट शॉर्टेज से निपटने के लिए इजिप्ट चाहता है कि भारत इजिप्ट के साथ एक स्वैप डील साइन करे। स्वैप डील के मुताबिक भारत इजिप्ट को वीट एक्सपोर्ट करते रहेगा और जितनी कीमत की वीट की शिपमेंट भारत इजिप्ट को बेचेगा, इजिप्ट उतनी कीमत का सामान भारत को एक्सपोर्ट करेगा। ऐसा करके इजिप्ट को भारत को डॉलर्स में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट ने कहा है कि भारत को फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, जो कि इजिप्ट भारत को इस स्वैप डील के जरिए प्रोवाइड करवा सकता है। ये ऑफर देने के लिए इजिप्ट के सप्लाई मिनिस्टर अली अल मुसेल इजिप्ट में जो भारत की एम्बेसी है वहाँ भी गए थे और उन्होंने वहाँ पर भारत के एम्बेसडर को ये स्वैप डील का ऑफर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्ट ने ये ऑफर भारत को कुछ हफ्ते पहले उस समय दिया था जब नुपुर शर्मा जी की टिप्पणी के कारण अभी कोई विवाद भी नहीं खड़ा हुआ था, और साथ में इजिप्ट ने जो टर्की द्वारा रिजेक्टेड भारतीय गेहूं लेने से इनकार कर दिया था, वो घटना भी इजिप्ट के सप्लाई मिनिस्टर की स्वैप डील के रिक्वेस्ट के बाद ही हुई थी। यानी ये दोनों ही घटनाएं इजिप्ट की स्वैप डील की रिक्वेस्ट के बाद ही हुई हैं। ऐसे में अभी तक ये स्वैप डील साइन ना होना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत ने इजिप्ट को इस मसले के ऊपर कोई भी जवाब देना जरूरी भी नहीं समझा है। यानी हम इजिप्ट को फर्टिलाइजर्स के बदले वीट देने के लिए फिलहाल रेडी नहीं है। डेफर्ड पेमेंट यानी उधार के ऊपर इजिप्ट को गेहूं बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, जिसके बाद इजिप्ट की सारी उम्मीदें अब वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले लोन के ऊपर टिकी हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इजिप्ट के साथ कोई स्वैप डील साइन करनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं?
नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बताओ भाई, करनी चाहिए स्वैप डील? मैं कह रही हूँ यहाँ तो अगर हमें बहुत फायदा हो रहा है और हमें वो फर्टिलाइजर्स बहुत इम्पोर्टेंट है तो करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम इंडिया के अगेंस्ट क्यों बोले? और अगर तुम्हारे पास वो आया था टर्की से रिजेक्टेड तो तुमने क्यों नहीं लिया? अगर तुम लोग ये सोचते हो, वो कंट्रीज, कई कंट्रीज का मैंने ये देखा है कि जब अपने ऊपर आती है तो दे एक्सपेक्ट कि भैया इंडिया हेल्प करे, इंडिया हमारे साथ ये कर ले, और जब इंडिया के ऊपर कुछ होता है तो तुम खड़े हो जाते हो इंडिया के अगेंस्ट। अगर तुम इंडिया के साथ नहीं हो उस टाइम तो इंडिया भी तुम्हारे साथ नहीं है जब तुम्हारे टाइम ऑफ नीड है। अभी इंडिया के पास वीट है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें जरूरत है, तो तुमको सोचना चाहिए। और अगर किसी ने, अगर तुमने नहीं बोला पर तुम्हारे लोग बोल रहे हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो तुम्हें एज गवर्नमेंट खड़े होकर उसको कंडेम करना चाहिए, उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक इंडिया को जो है इनके साथ ऐसी कोई डील करनी चाहिए। मेरा तो ये पर्सनल बिलीव है, इंडिया की सेल्फ रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। राइट, देखिए मतलब जो भी है, पहली बात तो समझ नहीं आती कि जो इजिप्ट था उसे नजर नहीं आ रहा था कि उसको जो है वीट की जरूरत है, और उसको वर्ल्ड बैंक पैसा दे नहीं रहा, वो उसकी इतनी तकलीफ हो रही है, फिर भी वो इंडिया को, इंडिया के बारे में नेगेटिव बोल रहा है। और तुम अभी स्वैप डील दे पूछ की बात करके आ भी चुके हो और उसके बाद तुम ये सब कर रहे हो, तो क्या सोच रहे हो? मतलब समझ नहीं आया कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या लाइफ में डिसीजन लेने हैं। अजीब लोग हैं। अब उन्होंने डिसीजन ले लिए, अब क्या सोच रहे हैं कि इंडिया, इंडिया को नॉर्मली देखिए, अगर इंडिया देख रहा है तो उसको देखना चाहिए अगर कितनी डिमांड है, अगर देशों की लाइन लगी है, कह रहे हैं। जो मांग रहे हैं वीट, तो उनको बोलना पड़ेगा सॉरी तुमने जो जो घपले किए हैं, एक तो हमारा वीट जो सही था जहां तक मुझे पता है उसको रिजेक्ट किया, उसके बाद जो है जैसे अभी कह रहे हैं कि बार्टर ट्रेड कर लेंगे, क्यों करें, पैसा दो ले जाओ, और वही पैसा अगर तुम्हारे पास हो भी तो तुम्हें हाई प्रायोरिटी क्यों होते हैं? क्या तुमने को अच्छा जेस्चर दिखाया इंडिया के साथ? नहीं दिखाया। तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट बहुत ध्यान से सोचेगी, और हो भी सकता है कहे कि सॉरी तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो नेक्स्ट कंट्री लाइन में जो लगेगा सही है, जो इंडिया के लिए बेटर है, उसको दे दिया जाएगा। बिल्कुल। और नॉर्मली इस तरीके के स्ट्रेट मैसेजेस जाने चाहिए। इंडिया काफी बड़ी कंट्री है, इजिप्ट भी मतलब साइज में उतना छोटा तो नहीं है मगर इकॉनमी में बहुत छोटा है इजिप्ट। उनके पास पैसे ही नहीं है तो दिख ही रहा बुरे हाल है। अल्टीमेटली उनको देखना चाहिए कि उन्होंने गलती की है इस तरीके से, जैसे और नेशंस थे जो शांति से बैठे थे, ये लोग नहीं बैठे। और तो मेरे ख्याल से यही है कि इंडिया को जो है होपफुली बोलना चाहिए सॉरी, बाय बाय, हमारे पास बड़ी सारी लिस्ट है। अगला बंदा, क्योंकि इंडिया ने पहले बोला था जो फ्रेंडली देश हैं उनको हम पहले देंगे, देना भी चाहिए। तो इंडिया यही बोलेगा देखो जो हमारे फ्रेंडली देश हैं उनकी हाई प्रायोरिटी है, उन फ्रेंडली देशों को दिया जाएगा, आप फ्रेंडली नहीं हो, वह पता लगा, जैसे अभी जो भी आपने कार्य किए हैं उसे पता चल गया तुम फ्रेंडली नहीं हो, तो फ्रेंडली देशों को दिया जाएगा। बिल्कुल अच्छा वीडियो। अब आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, ठीक है? तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।